आइए अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ आयन्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें से कौन सा आयन सबसे ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा। अब आप इस वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी कैटायन के लिए उसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही कम होगी। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि Li+ से बड़ा साइज होता है Na+ का और Na+ से बड़ा साइज होता है Li+ का। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम इनकी पोलराइजेशन पावर को कंपेयर कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। क्योंकि Li+ का साइज सबसे छोटा है इसीलिए उसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड पोटेशियम प्लस का साइज सबसे बड़ा है इसलिए पोटेशियम प्लस की पोलराइजेशन पावर सबसे कम है। तो अब हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि लिथियम की हाईएस्ट पोलराइजेशन पावर होगी। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी समरी को यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपने इस टॉपिक में पढ़ा कि बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमने ये भी जाना कि डायपोल मूवमेंट क्या होता है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हमने डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ा। हमने इस टॉपिक में जाना कि किस तरह से पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स को फजांस ने एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस।